जी भी देर रात फ्लैट पर बुलाते हैं दरोगा भी। अफसर के सामने महिला सिपाहियों ने बयां किया दर्द। आगरा में अपने ही विभाग की महिला दरोगा को रात में सोने के लिए घर बुलाने वाले इत्मदुल्ला थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार मिश्र अकेले नहीं है, उनकी जैसी हरकतें और भी इंस्पेक्टर दरोगा और यहाँ तक की SP भी कर रहे हैं। ASP भी महिला सिपाहियों को रात में अपने फ्लैट पर बुलाते हैं। दुर्गेश कुमार मिश्र की करतूतें सामने आने के बाद महिला ASP सुकन्या शर्मा ने महिला पुलिस कर्मियों की बैठक बुलाई, उनकी समस्याओं को सुनना शुरू किया। पुलिस वालों की करतूतें सामने आने लगी, महिला दरोगाओं का दर्द सामने आने लगा। खुलासा हुआ कि सिटी जोन में तैनात एक ASP रात को अपने फ्लैट पर अर्दली रूम लेते हैं, घंटों महिला दरोगा को खड़ा रखते हैं, बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं देते। इतना ही नहीं, कई थाना प्रभारियों के बारे में भी ऐसी शिकायतें सामने आई। बैठक में महिला दरोगाओं से उनकी परेशानियां पूछी गईं तो हिम्मत जुटाकर दो महिला दरोगाओं ने बताया कि ASP देर रात अपने फ्लैट पर अर्दली रूम के लिए बुलाते हैं, घंटों रोक कर रखते हैं, खुद कुर्सी पर बैठे रहते हैं, उन्हें बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं देते। अर्दली रूम के लिए रात को अचानक फोन आता है, उस समय वे घर पर होती हैं। कहा कि मीटिंग हाल में सोफा है, इस पर इंस्पेक्टर बैठ जाते हैं। यह मीटिंग दिन में थाना परिसर में भी ली जा सकती है। देहात के एक थाना अध्यक्ष की भी महिला दरोगाओं ने शिकायत की, बताया कि थाना अध्यक्ष भी रात 11 बजे बुलाते हैं, क्यों बुलानी पड़ी बैठक। आगरा के ही एतमदुल्ला थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार मिश्र की करतूत सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर के आदेश पर महिला ASP ने महिला पुलिस कर्मियों की बैठक बुलाई थी। थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार मिश्र पर ट्रेनी महिला दरोगा ने 2 दिन पहले गंभीर आरोप लगाए थे। आगरा कमिश्नर को लिखे पत्र में महिला दरोगा ने कहा था कि थाना प्रभारी उस पर बदनीयत रखता है।